कैसे हो सारे लोग? आशा करती हूँ इस वीकेंड को बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाए हो। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है ना? तो चलो अभी तक तो सो ही गए होंगे, और अगर अभी भी नींद नहीं आई है तो चलो एक छोटी सी रूपकथा की कहानी आज हम सुनते हुए सो जाते हैं। आज की कहानी मैं पढ़ रही हूँ अमादेशिर रूपकथा इस किताब से। अमादेशिर मतलब मेरे देश की रूपकथा। यहाँ पर मेरे देश बोले तो बांग्ला। बांग्ला जो भाषा में जो रूपकथाओं की कहानी है वैसे वाली कहानियों का क्या बोलूँ, श्रृंखला, या वैसे वाले कहानियों की एक किताब है जिस किताब के नाम है अमादेशिर रूपकथा, जिसका संपादना किए हैं श्री धीरेन्द्र लाल धौर। और उस किताब से हम एक रूपकथा की कहानी सुनने जा रहे हैं। इस किताब की प्रकाशना किए हैं किशोर भारती, और इसके जो प्रच्छद हैं कवर पेज है उसकी तस्वीर ड्रॉ किए हैं श्री हरेन चक्रवर्ती, और इस किताब के अंदर जितने सारे तस्वीरें हैं वो ड्रॉ किए हैं श्री अरुण गुप्तो। तो चलो शुरू करते हैं। तो इस किताब से इससे पहले हम लोग तीन कहानियाँ पढ़ चुके हैं। आज इस किताब से मैं आखिरी कहानी जो है वो पढ़ने जा रही हूँ। इस किताब की ये जो आखिरी कहानी है उस कहानी के शीर्षक है एज्जी छिलो राजा। तो शुरू करें ये? ओके, तो शुरू करते हैं। एज्जी छिलो राजा। एज्जी छिलो राजा यानी कि एक जो था राजा। तो एक राजा था, वो राजा बहुत ही संपन्न था। मतलब उसके हाथी शाल में हाथी, घोड़ा शाल में घोड़ा, लोग, लश्कर, पैदा, सिपाही सब कुछ था उनके पास। और पैसे का तो कुछ, मतलब किसी भी चीज़ के उनके पास तंगी नहीं थी, सब कुछ भरपूर मात्रा में थी, और वो बहुत सुखी सुखी अपना जीवन जी रहे थे। तो एक दिन राजा को लगा कि चलो हम शिकार पे निकलते हैं। तो वो शिकार के लिए चल पड़े। देखो घोड़े के ऊपर चढ़ के वो तो चल पड़े एक हिरण के शिकार करने के लिए। तो हिरण भी भागे, वो भी भागे। भागते भागते वन के अंदर, जंगल के अंदर वो रास्ता भटक गए। और फिर भटकते भटकते उनको सुनाई पड़ा कि कोई एक लड़की पेड़ के नीचे बैठ के रो रही है। तो राजा, देखो राजा उस लड़की के पास जाके पूछते हैं कि तुम रो क्यों रही हो। तो लड़की अपना परिचय देती है कि माता पिता बहुत ही गरीब दुखियारी हैं, तो इसीलिए वो लोग मेरी शादी नहीं कर पा पाए, इसलिए वे मुझे जंगल में छोड़ के चले गए हैं, और इसीलिए मैं यहाँ पर बैठकर रो रही हूँ। और और वो जो लड़की है वो अपनी नाम बताई, अपनी नाम नाम बोली कि मेरी नाम है रूप कुमारी। तो सही में वो चंद्रमा की तरह सुंदर थी। राजा उसको देखकर बोले ठीक है कोई बात नहीं, चलो मैं तुमको अपना रानी बना लूँगा। बोलकर वो अपने साथ लेके चल पड़े। देखो घोड़े में चढ़ा के वो चल पड़े, राजा चले। और फिर जब वो अपने राजधानी पहुँचे तो वहाँ पर वो रूप कुमारी के साथ वो शादी कर लिए। उनका पहले से ही एक रानी थी। तो वो जो पहली वाली रानी थी वो बड़ी रानी है, और ये जो है ये छोटी रानी है। अब छोटी है नहीं है तो उसका आदर सम्मान थोड़ा ज़्यादा ही होने लग गया। और बड़ी रानी चुपचाप बैठे बैठे सोचते थे, और उनको थोड़ा ख़राब भी लगता था। अब क्या करें, वो चुपचाप सिर्फ सोचते रहते और भगवान के पास वो प्रार्थना करते रहते। तो ऐसे ही एक दिन रात को वो बैठे थे अपनी खिड़की के पास, और फिर उनको क्या दिखा कि छोटी रानी के कमरे से, मतलब उनका जो महल है वहाँ से छोटी रानी राक्षसी बनकर कहीं चले गए। राजमहल को पार करके वो कहीं चले गए। फिर थोड़ी देर बाद बहुत मोर खून से लथपथ होकर वो राक्षसी से पहले रानी बनी और फिर अपने महल पे चली गई। महल के अंदर
बड़ी रानी ये सब देखकर भाई वो तो बहुत डर गई। वो जल्दी जल्दी में क्या की कि वहाँ से वो मतलब खिड़की से वो नीचे उतर के वो चुपचाप लेट गई। लेकिन वो डर के मारे ना सो नहीं पाई, पूरी रात वो जागी फिरी रही। तो दूसरे दिन सुबह होते ही वो राजा को जाके बोले, महाराज मैं कुछ दिनों के लिए अपने माँ बाबा के पास जाना चाहती हूँ, बहुत दिनों से मैंने उन लोगों को देखा नहीं। तो राजा बोले ठीक है जाओ। बड़ी रानी तो अपने माँ बाबा के पास जाकर वहाँ जो बैठे वो और वापस नहीं आए। इतने समय में उनका एक छोटा सा सुंदर सा लड़का भी हुआ। लेकिन डर के मारे रानी राजा से कुछ कहे भी नहीं, क्योंकि वो ये सोचने लगी कि अगर छोटी रानी को पता चल के आगे गया तो वो क्या ही कर लेंगे। तो दिन बीते रात बीते और धीरे धीरे चंद्रमा जैसे जो राजकुमार हुआ था ना, जिसका नाम था दूध कुमार, वो बड़ा होने लग गया ऐसे ही। लेकिन राजा को कभी पता ही नहीं चला कि उनका एक बेटा भी है। एक दिन राजकुमार अपनी माँ को मतलब बड़ी रानी को पूछने लग गए कि माँ सबको तो सबका पिताजी है, मेरा पिताजी नहीं है क्या, मेरा बाबा नहीं है क्या। तो रानी बोली, तुम राजकुमार हो, लेकिन तुम्हारी जो सौतेली माँ है ना वो राक्षसी है, उसी के डर से मैं यहाँ पर भाग कर आ गई हूँ। तो सब कुछ सुनने के बाद राजकुमार मतलब दूध कुमार निकल पड़ा। वो ठान ली थी कि माँ की जो दुख की कारण है ये, और वो मतलब रखेगा नहीं, मतलब इस कारण का निर्वाण वो करके रहेगा। तो राजसभा में पहुंचा, राजा को तो पता नहीं था कि ये जो दूध कुमार है ये उसका अपना बेटा है। तो वो मतलब राजा दूध कुमार जब पूछे कि मुझे नौकरी दीजिए, तो उन्होंने बोला तुम तो इतना छोटा लड़का तुम क्या करोगे। तो वो बोलने लगा आप जो भी दोगे मैं वही काम कर लूँगा। ये सुनकर राजा बोले ठीक है, तुम मेरे जो राजमहल है इसका पहरेदारी करो। तो वो रुक गया, हर रोज़ वो पहरा देता, फिर रात होते ही वो चला जाता। अब दूध कुमार का सुंदर चेहरा और स्वस्थ उसका क्या बोले, उसका जो अपियरेंस सब मतलब वो जो हट्टा कट्टा अच्छा वाला सुंदर सा स्वस्थ एक लड़का था, उसको देखकर छोटी रानी को तो इतना लोभ हुआ। वो सोचने लगा यार कैसे खाऊं कैसे खाऊं कैसे खाऊं, मुझे तो खाना है। लेकिन वो खाए कैसे, क्योंकि हर रोज़ रात को दूध कुमार अपने घर वापस चला जाता। तो फिर रानी छोटी रानी क्या की कि वो लेट गई, वो अपने बिस्तरा से उठा ही नहीं। और वो क्या करने लगा पता है, एक बार एक तरफ लेटे, एक साइड में लेटे और बोले फिर दूसरे साइड में लेटे घूम के, तो आवाज़ करे तो ऐसे ही करने लगा। तो फिर राजा को बोले मुझे ना हार मुड़मुड़ी हड्डी मरमर करने वाला बीमारी हुई है, मेरी मौसी है वहाँ से दवाई लाना पड़ेगा, तब जाकर ये बीमारी ठीक होगी, अब कौन जाएगा। तो दूध कुमार कहने लगा मैं चला जाऊंगा। तो रानी एक चिट्ठी लिख दी और चिट्ठी लेकर राजकुमार निकल पड़ा। तो वैसे वो छोटी रानी के मौसी के पास पहुंचने से पहले वो चिट्ठी खोलकर वो पढ़ लिया, जिसमें लिखा हुआ था कि मौसी तुम इसको अच्छे से खाना और थोड़ा सा मांस मेरे लिए भी रख देना, मैं भी आकर खा लूँगी। तो राजकुमार उस जो चिट्ठी को फाड़ के फेंक दी। और फिर फिर उसने क्या किया, जिस मैदान के बगल में वो रानी की मौसी रहती थी, उस मैदान के इस पार मतलब उल्टे साइड में खड़े होकर वो पुकारने लगा कि दादी दादी, नहीं दादी नहीं बोलेंगे नानी बोलेंगे, बोलने लगा नानी नानी मैं आया हूँ मैं आया हूँ। तो मौसी बोली, रानी की मौसी बोली
तुम कौन हो बेटा? दो वो बोले, अरे मैं तुम्हारा नातन हूँ, नाती, बांग्ला में नाती, तो नातन नाती हूँ मैं, नाती। मैं रूप कुमारी का लड़का हूँ, दूध कुमार, तुम्हारा नाती। तो मौसी खुश होकर बोले, अच्छा, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो फिर उसको बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाए। फिर बोले, तू क्यों आया है बेटा? तो दूध कुमार बोले, माँ को हड्डी मरमर करने वाला बीमारी हुई है, तुम दवाई दो। मौसी दवाई दिए। तो दूध कुमार बोले, नानी मुझे कुछ नहीं दोगे? तो नानी मतलब मौसी बोले, क्या चाहते हो, क्या चाहता है तो बोल। तो वो उसी कमरे में रखा हुआ एक तोता था। तोता पैरट को बोलते हो? हाँ। तो एक तोता था, तो उसको दिखाकर वो पूछने लगा, ये देखो ये पैरट है। तो पूछने लगा कि ये पैरट मुझे दे दो, ये तोता मुझे दे दो। तो मौसी बोले, अरे ये कैसे दे दूँ, ये तो तेरी माँ की जीवन जीवन है, मतलब जीवन पंछी है भाई। तो दूध कुमार बोले, यही है, कोई बात नहीं, तब मेरे पास रहेगा तो मैं अच्छे से इसको घी दूध खिलाऊंगी खिलाऊंगा और ये अच्छे से रहेगा, मुझे ही दे दो। अब मौसी क्या करे, नाती की जिद को पूरा करने के ख्वाहिश से उन्होंने वो तोता दे दी। अब दूध कुमार राजा के पास पहुंचा, सब कुछ ले लू के। फिर वो रानी को वो दवाई दिए, और रानी रानी के लिए जो दवाई लाए थे वो तो दे ही दिए, लेकिन राजा को ये भी बोले कि रानी के लिए जो दवाई मैं लाया हूँ वो राक्षसियों के देश से लाया हूँ, छोटी रानी तो राक्षसी है। तो राजा बोले, है ये कैसे हो सकता है? दूध कुमार बोले, हाँ आप सभा बुलाइए, मैं उसमें प्रमाण कर दूंगा। तो राजा बोले, ठीक है, अभी के अभी मैं सभा बुलाता हूँ। रानी आकर खड़े हो गए सभा के बीच में। दूध कुमार बोले, छोटी रानी राक्षसी है। राजा पूछे, ठीक है दिखा दो, समझा दो हम सबको। दूध कुमार बोले, इंसानों की तरह रानी की जो जीवन है ना वो उनके देह के अंदर नहीं है, है तो इस पंछी के अंदर, ये देखो। बोलकर वो रानी की जो मौसी है उनको धोखा देकर, या जैसे भी उनको बुद्धू बनाकर, जो उसके जो प्राण पंछी, हिंदी में शायद प्राण पखेरु बोलते हो, है ना, तो प्राण पखेरु लेके आए थे, वो उस केज से, पिंजरे से निकाले, और निकालने के बाद उस पंछी के पंखों को तोड़ दिए। तुरंत राक्षसी के एक हाथ, मतलब छोटी रानी के एक हाथ टूट गया और वो राक्षसी में तब्दील भी हो गई। तो ये सब देखकर राक्षसी तो उसके तरफ दौड़ते हुए आ गया, और दूध कुमार भी उस पंछी के दोनों पैर तोड़ दिए। तब भी वो राक्षसी लुढ़कते हुए दूध कुमार की तरफ आगे बढ़ने लगी। दूध कुमार भी अब पंछी के गर्दन मरोड़ दिए, और तभी तुरंत राक्षसी भी करके गुजर गया। तो सबको समझ में आ गया, ये तो राक्षसी थी, रानी तो थी नहीं। दूध कुमार अब अपना असली परिचय राजा को दिए, बोले, बड़ी रानी माम है मेरी, मैं हूँ राजकुमार दूध कुमार। राजा तो बहुत खुश हो गए, और तभी के तभी बड़ी रानी को अपने मायके से बुला लिए। तब बड़ी रानी बहुत खुश हो गई, और सुख और शांति से राजा, राजकुमार दूध कुमार और बड़ी रानी अपनी दिन बिताने लग गए। तो बच्चों, हमारी कहानी तो आज के लिए यहाँ पर ही ख़त्म हो गई। देखो तीनों लोग यहाँ पर हैं। तो आज की कहानी से हम लोग ये सीखें कि कब क्या सिद्धांत लेना है, उसके लिए हमें सोचना, सोच विचार ज़रूर करना है, और इसके लिए हमें हमारी बड़ों से ज़रूर डिस्कस करना चाहिए, माँ बाबा की बात सुनना चाहिए, शिक्षक और शिक्षिकाओं की भी बात सुननी चाहिए, और फिर शांत होकर बैठकर अपना सिद्धांत खुद खुद ही लेना होता है। और ये जो सिद्धांत है, कभी कभी प्रतिवाद प्रतिरोध करने के लिए, कभी कभी हमें तुरंत तुरंत हमें कुछ करना होता है, और कभी कभी हमें थोड़ा देर लगता है ना, थोड़ा रुक जाना होता है। जैसे बड़ी रानी की थोड़ा
थोड़े रुक गए और जैसे दूध कुमार किया तुरंत वो काम कर दिए। तो परिस्थिति के अनुसार हमें अपना सिद्धांत निर्वाचन करना होता है, लेकिन जो भी करें हमें सच्चाई के साथ चलना है। तो दोस्तों बच्चों आज के लिए कहानी यहाँ तक ही। अच्छे से रहना, अच्छे से सोना और टाटा।